इलेक्शन कमीशन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम चूंडू कराण जो ऐलान करे छो। इलेक्शन कमीशन है 27 सितंबर से तकबंद की शुरुआती फहरिस्त जारी कई वेंदी। एतराज बुधण बाद तकबंद के हतमी फहरिस्त 30 नवंबर से जारी कई वेंदी। हतमी फहरिस्त जारी थियण के 24 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम चूंडू कराए वेंदियूं। इलेक्शन के हवाले से कमीशन की तैयारियां भी जारी हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के चूंडन लाए समूरा वसीला फराहम करने जो ऐलान करे छो। सुध समावरे निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी है त आम चूंडन लाए बजट में रकम रखल है। असा जो कम ही चूंडन में इलेक्शन कमीशन के मदद ए वसीला फराहम करना है। आईएमएफ पाकिस्तान का अमीरन से टैक्स लगान गरीबन के रिलीफ देने का मुतालबो कर छो। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की आईएमएफ जी एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात। आईएमएफ पारा पाकिस्तान के टैक्स सुधारण बाबत तकड़ा कदम खण से जोर। निगरान वजीर आजम आईएमएफ से थियल मुहिदन से अमल दरामद जारी रखने की खातरी कराई। क्रिस्टालिना है तो पाकिस्तान के अमीरन से टैक्स लगान गरीबन के रिलीफ देने जो है। निगरान वफाकी हुकूमत माली नुकसान में हलंदड़ इदारन के खंगाण जो ऐलान कर छो। नाणेवारे निगरान वजीर शमशाद अख्तर है तो मुल्की मैशियत की बहाली लाए कदम खड़ी रहा है। सरकारी कारपोरेशन से नुकसान जो खातो 500 अरब रुपयन का वधी वयो है। मुनाफो कमाईंदड़ कंपनियों की हौसला अफजाई कई वेंदी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाए पाड़ेसरी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल थी रही है। अफगानिस्तान पेंजी जमीन बेन मुल्क खिलाफ इस्तेमाल थे न दे। निगरान परदेही वजीर जलील अब्बास जिलानी है तो मुआशी इस्तेकाम लाए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। चीन पाकिस्तान जो बेहतरीन दोस्त है सीपेक उन जो मिसाल है। नए पारा अहम शख्सियत खिलाफ अरबे रुपयन का करप्शन केस बीहर खोलने जो फैसलो। जांच पड़ताल लाए गुजन इदारन जो खिदमतों भी वरतियों वेंदियों। जरियन मुजिब गुजन इदारन मां नेब में डेपुटेशन ते ऑफिसर जल्द मुकर्र थींदा। नेब चेयरमैन की मंजूरी से ऑफिसर से मुकर्री लाए खत लिखो वो। नेब जो डिप्टी चेयरमैन ए प्रोसिक्यूटर भी मुस्तकिल बुनियादन से जल्द मुकर्र कया वा। खाली जायन से भी जल्द भर्तियों थन्दू। नेब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल थियल केसिस या दस्तावेज भी बीहर अदालतन में जमा कराए छा। सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी केस की बुधनी चीफ जस्टिस पारा वकील से कावड़ इजहार। अदालती वक्त जाया करण से वकील से दंड मड़े छो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो वकील लागापियल दस्तावेज दियण बदरा अदालत जो वक्त जाया कयो। वकील के दंड की रकम खैराती इदारे में जमा कराए रसीद जमा कराने की हिदायत। पुलिस शेख रशीद का लाल हवेली खाली कराए सील करे छी। 15 का वधिक थाणन की पुलिस ए एफआईए अहलकारन ऑपरेशन में हिस्सो वरतो। इंतजामिया लाल हवेली के खाली कराण वा सील करे छो। अणवणंदड़ सूरत हाल के मुंह देने लाए सिक्योरिटी अलर्ट रही। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है तो शेख रशीद दस्तावेज पेश ना कर सको। अज की मुआशी सूरत हाल सबब आवाम परेशान है। समूरन मसलन ए परेशानन जो हल पीपल्स पार्टी वट ही है। कराची में गालाइंदे अगोणे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमुन है तो पीटीआई चेयरमैन आईएमएफ मुहिदे की भंजकड़ी कई जै सब महंगाई वधी। मुल्क के मसलन मां कढ़ण लाए टारगेटेड सब्सिडी दां वंडणो पवंदो। सिंध हुकूमत 21 लख माण्हुन के घर ठहराए ॾेई रही आहे पर फंड्स रोकिया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी खिलाफ भले प्रोपेगंडा कई वञे पर ईंदड़ चूंडन में वॾो सरप्राइज ॾींदासीं। लेकिन सर अगर जेल ले लिए तो आपको नुकसान में तफ्तीश होंगे आते हुए कहां चेक हैं हम नहीं आते और कानून के मुताबिक सजा देंगे। और फिलहाल सर अभी बेल ले ली है लेकिन आप उसको तफ्तीश हम करेंगे और हर लिहाज से इंसाफ किया जाएगा।
फातिमा फड़ो वाले केस में मुलविस समूरन जवाबदारन आईं सहूलतकारन के गिरफ्तार कर वेंदो दबा कबूल न कंदासीं सिंध जो निकरान घरू वजीर हारिस नवाज निकरान घरू वजीर आईजी सिंध रिफत मुख्तार जी रानीपुर के पीरानी हवेली में कतल थियल लिंगरी फातिमा फड़ो के घरामद वालिद नदीम फड़ो अमर शबाना फड़ो से मुलाकात कर ताजियत कई घरू वजीर आईजी सिंध फातिमा के वारसन का वाकया केस बाबत तफसील भी वरता अदालत केस में गिरफ्तार असद शाह इम्तियाज मीरासी के पंचन डीह के रिमांड से सीटीटी हवाले कर फातिमा फड़ो कतल केस के जवाबदार फयाज शाह गिरफ्तारी का अग हिफाजती जमानत मंजूर कराए वरती सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच फयाज शाह के सतन डीहन लाए हिफाजती जमानत मंजूर कई केस में जवाबदार जानल हिना शाह जी जमानत वाली दरख्वास्त फैसलो 26 सितंबर ताई महफूज कर छो केटीएन न्यूज सखर के ब्यूरो चीफ शहीद जान मोहम्मद महर के कातलन की गिरफ्तारी लाए मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा ठट्टो में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सद से शहीद जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ सहाफिन कारो डी मलाए एहतजाज कयो बदीन टंडोबागो में शहीद जान मोहम्मद महर के कातलन की गिरफ्तारी लाए मुजाहरो कयो वयो नंदो शहर में सियासी समाजी तंजीमुन आई सहाफिन पारा शहीद जान मोहम्मद महर के कातलन की गिरफ्तारी लाए एहतजाज पंगरियों में शहीद जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारा रैली कढ़ी वही मेहर में सिंधी अदबी संगत ऐवान सहाफत सिंध सहाफी इतिहा सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल पारा मुजाहरो कयो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अगोणे परडेही वजीर बिलावल भुट्टो सरदारी पंजटी बहारू डी वरतियों अगोणे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मिमण कराची प्रेस क्लब में बिलावल भुट्टो सरदारी के सालगिरह जो केक काटो सिंध समेत मुल्क के बेन शहर में भी बिलावल भुट्टो सरदारी के सालगिरह जा केक काटा वया घोटकी में जुनूनी जवाबदार हथा मिल्कियत की तकरार से कतल थियल माँ आई धी समेत पंजन जणन की जनासे नमाज बाद तदफीन आफ्ताब कॉलोनी वासी जवाबदार इमरान तगड़ पेंची अमर भेण आई टिन भाणेजन के कतल कंदर जवाबदार इमरान तगड़ के गिरफ्तार कर वरतो केस दाखिल न थियो पुलिस जो चवण है तो मामले की वधिक जांच कई पई वे नए बरसात मुतासर के फंड्स में गोबिन वे मामले से मकानी खाते के ऑफिसर्स के तलब कर वरतो नेब लाड़काणो सखर आई शहीद बेनसीराबाद डिवीजन से मकानी नुमाइंदन के नोटिस जारी कर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर टीएमओस टाउन ऑफिसर्स अकाउंटेंट्स समेत समूरन लागापियल ऑफिसर्स के नोटिस जारी कया व्या सिंध के मकानी खाते वे सेक्रेटरी ऑफिसर्स के नेब अदो पेश थियण की हिदायत कर छी नेब गुजरियल साल बरसातन दौरान मिलियल फंड्स में मुबैना गोबिन जो नोटिस वरतो हो जामशोर में नाफरमान पुट जो बुढ़ी माँ ते तशद्दुद तसलील करे घर मां कढ़ी छो जवाबदार नाफरमान पुट जुल्फकार सहतो बुढ़ी अमर मसमास साइण सहतो ते तशद्दुद करे तसलील करण बाद घर मां कढ़ी छो तशद जो निशानो बणियल पीरसन साइण सहतो दाहिन ते चयो त पुट नशे जो आदि है मंशियात खरीद करण लाए पैसा न जण ता तशद्दुद करे घरां कढ़ी छो है मवाली पुट जुल्फकार सहतो खिलाफ कार्रवाई कई वे मेयर के फिरदोस कॉलोनी में कठोर दिल पुट वसीम मंगी फायरिंग करे पीरसन पी रफीक मंगी के जख्मी कर छो गणती जोगी हालत में अस्पताल दाखिल रफीक मंगी पेंजे नाराज धी के घर वापस वठी आयो त जवाबदार पुट फायरिंग करे पी के मर्निंग करे छो
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल से लागापन के वेझो पोचण की तस्दीक कर छी। अमेरिकी टीवी चैनल के डिनल इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है तो ईरान एटमी हथियार हासिल कया तो असा कंदी इसराइल से लागापन के मामूल से आणन लाय लगातार वेझो अची रहा है। कैनेडा में खालिस्तान तहरीक जो बो सिख अगवान भी कतल। मीडिया रिपोर्ट मुजिब सुखदिल सिंह के कैनेडा के शहर वैनी में कतल किया। खालिस्तान तहरीक जो सुखदिल सिंह जो नालो भारत के इंतहाई घुर्बल मानू की फहरिस्त में शामिल हो। कैनेडा के इख्तियार कतल की जांच शुरू कर छी।